राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। उन्हें जमानत मिल चुकी थी, फिर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया। राहुल के सामने अब क्या विकल्प है, एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरनेम के आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास अब रास्ता क्या है? सदस्यता जाने के बाद अब राहुल का क्या कदम अगला होने वाला है? ऐसे में सवाल ये है कि सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जवाब है हाँ। राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसे समझने के लिए 2022 के आखिरी महीनों में यूपी की रामपुर सीट से सपा विधायक आजम खान के केस का उदाहरण लिया जा सकता है। आजम खान के हेट स्पीच मामलों में 3 साल की सजा के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आजम इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी आजम की तरह राहुल गांधी भी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द हो जाती है तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी? जवाब है, मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी हायर कोर्ट में अपील करेंगे। अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द कर दी जाती है, उसके बावजूद उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी, हालांकि वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव होंगे? जवाब है हाँ होंगे, क्योंकि लोकसभा आम चुनाव मई 2024 में होने हैं, यानी अभी इसे होने में 6 महीने से ज्यादा का समय है। संविधान के मुताबिक आम चुनाव होने में अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होना तय है। इस पूरे प्रकरण में सवाल ये भी है कि अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हुए तो क्या राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ पाएंगे? जवाब है, राहुल गांधी 2 हालातों में ही वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। पहला, उपचुनाव घोषित होने और उसके नामांकन की अंतिम तारीख से पहले मानहानि के मूल केस में राहुल गांधी की कन्विक्शन पर बड़ी अदालत रोक लगा दे। अभी तक राहुल गांधी ने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है, चूंकि फैसला 150 पेज का है और गुजराती में है, ऐसे में इसका अनुवाद करवाया जा रहा है। दूसरा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या इसे रद्द कर दे, ये सब कुछ उपचुनाव घोषित होने और उसके नामांकन की अंतिम तारीख से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए इन दोनों विकल्पों की संभावना कम है। राहुल को कहीं से भी राहत मिलने से पहले उपचुनाव हो सकते हैं। राहुल गांधी के सामने सवाल ये भी है कि अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा? इसमें जवाब यह है कि इस स्थिति में राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। पहला, मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ। दूसरा, 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने की नोटिफिकेशन के खिलाफ। मानहानि केस में राहुल गांधी की कन्विक्शन को रद्द नहीं किया जाता या उस पर रोक नहीं लगती तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी और वो इसके 6 साल बाद भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राहुल के चुनावी राजनीति के करियर में 8 साल का ब्रेक लग जाएगा। हालांकि अगर अपील में सजा 2 साल से कम हो जाती है तो राहुल को कानूनी लड़ाई लड़ने का एक और विकल्प मिल जाएगा। सवाल ये भी कि क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की सदस्यता खत्म हुई है और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके? देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के आने के बाद से अब तक कई सांसदों विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। चारा घोटाले के बाद लालू यादव ने अपनी संसद की सदस्यता गंवाई। एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद रशीद मसूद की सांसदी गई। हत्या के मामले में उम्र कैद होने पर अशोक चंदेल की विधायकी गई। रेप केस में उम्र कैद होने पर कुलदीप सेंगर की विधानसभा की सदस्यता हुई खत्म। 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी गई। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी पर मानहानि का पहला केस हो। इससे पहले राहुल गांधी पर मानहानि के कई केस दर्ज हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मौसम के मिजाज के साथ सियासी मिजाज भी बदल गया है। आसमानी राहत की झमाझम से गर्मी से छुटकारा तो मिला, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी की तपन और बढ़ गई है। वजह थी राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उसके बाद सदस्यता रद्द होना। कांग्रेस पर मुसीबत के ये बादल जमकर बरसे तो विपक्षी दल कांग्रेस के लिए छाता खोलकर खड़े हो गए और सत्ता पक्ष के खिलाफ मार्च निकाल दिया। सूरत कोर्ट के फैसले और सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। दरअसल साल 2019 में कर्नाटक की रैली में सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है बोलने पर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया है और 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। कांग्रेस ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने और हाईकोर्ट में भी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी मानहानि के बादलों से घिरे हों। राहुल पर मानहानि से जुड़े करीब 6 मामले अभी भी चल रहे हैं और ज्यादातर केसों की सुनवाई गुजरात की अदालतों में ही चल रही है। पहले सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि राहुल गांधी पर मानहानि के कौन कौन से केस चल रहे हैं और राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। राहुल गांधी की हत्या में संकहार। राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया था। इस मामले में आरएसएस की भिवंडी इकाई के आरएसएस सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राजेश कुंटे का ये कहना है कि राहुल ने संघ की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर सवाल उठाया है। मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। असम मठ पर टिप्पणी। दिसंबर 2015 में राहुल के खिलाफ असम में आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। स्वयंसेवक ने केस दर्ज कर ये कहा था कि उन्हें असम के बरपेटा 17 में जाने से ये कहकर रोक दिया गया था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसी दौरान स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने असम की लोकल अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी के वकील अंशुबन बोरा के मुताबिक ये मामला अभी भी लोकल कोर्ट में चल रहा है। वकील के मुताबिक ये मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है। नोटबंदी को लेकर अमित शाह पर टिप्पणी। 23 जून 2018 के एक ट्वीट के आधार पर राहुल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। राहुल ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह को बधाई। पुराने नोटों को नई दौड़ में बदलने में आपके बैंक को प्रथम पुरस्कार 750 रूपए। 5 दिनों में करोड़ लाखों भारतीय जिनके जीवन को आपने नष्ट कर दिया, नोटबंदी आपकी इस उपलब्धि को सलाम करती है। मामले पर राहुल के वकील अजीत जडेजा ने कहा कि मामले पर अभी पूछताछ जारी है। केस की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। राफेल पर टिप्पणी। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र बीपीपी नेता महेश श्रीश्रीमल ने कमांडर इन चोर वाले बयान को लेकर राहुल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महेश श्रीश्रीमल का ये कहना, राफेल विवाद के दौरान दिया गया राहुल का ये बयान नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना था। कुछ दिनों के सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। महेश श्रीश्रीमल का ये कहना कि राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क किया था और शिकायत को रद्द करने की मांग भी की थी। बता दें इस मामले की सुनवाई भी अभी शुरू नहीं हुई है। संघ करवा देती है विरोधियों की हत्या। फरवरी 2019 में राहुल और सीपीआईएम जनरल सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। ये मुकदमा महाराष्ट्र के आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने दायर किया था। धृतिमान जोशी ने याचिका में ये कहा था कि पत्रकार गौरी की हत्या के 24 घंटे बाद राहुल ने यह बयान दिया था कि कोई आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। उसी साल नवंबर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
पीआई ने राहुल और येचुरी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस खारिज करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। अमित शाह पर टिप्पणी। अहमदाबाद से बीजेपी के एक निगम पार्षद कृष्ण वदन ब्रह्मभट्ट ने राहुल के खिलाफ मई 2019 से अहमदाबाद की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कृष्ण वदन ब्रह्मभट्ट ने याचिका में ये कहा कि राहुल गांधी ने जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। राहुल की इस टिप्पणी को कृष्ण वदन ब्रह्मभट्ट ने बहुत ही निंदात्मक बताया था। अब राहुल पर लगे मानहानि के केस की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट अदालत में होने वाली है। राहुल की संसद सदस्यता जाने पर एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता के लिए कई नेता मुखर हुए हैं। उधर कांग्रेस ने पूरे मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है या फिर राहुल गांधी पर मुसीबतों के बादल और बरसेंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।